रंजित दुख से भरी हिंसा से परिपूर्ण हो तो एहसास में केवल दर्द ही महसूस होगा। अमूमन देश में बड़ी आबादी के बीच आपराधिक घटनाएं होती रहती है, पर कोई कोई राज्य ऐसे भी है जिनका इतिहास ही रक्त रंजित कालिमा से रंगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के उस राज्य की जहाँ बात तो शांति की होती है, पर दूषित राजनीति के कारण अब वो राज्य केवल हिंसा के कारण चर्चा में है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। इस राज्य में सूत्रों की रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1977 से 2007 के बीच 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई और ममता बनर्जी ने हमेशा लेफ्ट पर हिंसा करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल जो कभी लेफ्ट का गढ़ रहा है और ममता बनर्जी हमेशा से लेफ्ट के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं, पर जब से ममता बनर्जी खुद सरकार में आई हैं, तब से पश्चिम बंगाल में हिंसा का आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनावों में हमेशा से हिंसा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी लेफ्ट पर हिंसा का आरोप लगाती रही थी। उसी हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और जब खुद वो सत्ता में आई तो उनके राज में हिंसा का आरोप लग रहा है। इस बार ये आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के 10 साल के राज में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। इसी प्रकार की हिंसा का आरोप टीएमसी बीजेपी पर लगाती है। अगर हम पश्चिम बंगाल के बीते विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की जीत सुनिश्चित हुई, राज्य में हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया। मतगणना वाले दिन न सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों पर हमले हुए और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को जलाया गया, बल्कि एक कार्यकर्ता की भी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि रविवार 2 मई 2021 को अभिजीत सरकार नामक एक भाजपा कार्यकर्ता ने टीएमसी के गुंडों की हरकतों के बारे में बताया। उसके कुछ ही देर बाद उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि अभिजीत सरकार ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रखी थी। उन्हें पता भी नहीं था कि फेसबुक पर लाइव कैसे आते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह वीडियो बनाया और बताया कि टीएमसी के गुंडे लगातार बमबारी कर रहे थे और उन्होंने उनके घर और दफ्तर को तहस नहस कर डाला। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही गलती है कि वो भाजपा कार्यकर्ता है। अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर आरोपियों पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है, पर ममता सरकार इस जांच रिपोर्ट के खिलाफ भी कोर्ट की शरण में जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है और याचिका में कहा गया है कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम करती है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है और ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने में लगी है। पर चुनाव बाद बंगाल हिंसा के मामले में केवल सीबीआई ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी ग्रुप की 5 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़ी बातें सामने आई है। रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में फेल बताया गया है और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के अलावा पश्चिमी मेदिनीपुर, जलपाईगुड़ी और दक्षिण दिनाजपुर को हिंसा का केंद्र माना गया था और अब वही बीरभूम फिर हिंसा की कलंकित चर्चा में है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम रामपुर हाट में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद हिंसा फैल गई। कहा जा रहा है कि यहां गुस्साई भीड़ ने करीब एक दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 3 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 8 लोगों की
जलकर मौत हो गई, जिसको लेकर अब राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ टीएमसी अपने को सही साबित करने में लगी हुई है, यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उनकी पार्टी को बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने 4 रिटायर्ड आईपीएस समेत 5 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है, जो अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। इस भीभत्स घटना पर हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दुख व्यक्त किया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपना एक वीडियो ट्वीट करके लिखा था कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटना संकेत दे रही है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो सीधे राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली। खैर, मामला जो भी हो, जांच में तो सामने आएगा ही, पर एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल का रक्त रंजित इतिहास अब तक बदलने का नाम नहीं ले रहा है, और लगातार हो रही घटनाओं से स्पष्ट हो चुका है कि अब बंगाल को लेकर राज्य सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह की घटना हुई, और जो बंगाल का इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, वो शुरुआत से ही रक्तरंजित रहा है। वहां की राजनीति दूसरी राजनीति ही कहेंगे।